हुमा कुरैशी, जिनने लगभग अपनी सभी फिल्मों में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जो अपने फ्यूरियस और कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती है। हुमा एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर 2008 में मुंबई आई थी। मैं आपको बताऊंगा उनसे जुड़े 10 अननोन फैक्ट, वो भी 2 मिनट में। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ नया पता चलेगा। नंबर 1, हुमा का इंटरेस्ट शुरू से ही एक्टिंग में नहीं था। उनको स्टडी में इंटरेस्ट था और स्कूल जाना और कॉलेज जाना उनका फेवरेट होता था। उनने बताया कि उनके घर में उनके कपड़ों से ज्यादा उनकी किताबें हुआ करती थी। नंबर 2, हुमा दिल्ली में बड़ी हुई है और उनका फिल्मों में इंटरेस्ट आने के बाद उनने दिल्ली के आमिर रजा हुसैन, एनके शर्मा जैसे थिएटर ग्रुप में काम किया है। नंबर 3, हुमा का एक्टिंग में इंटरेस्ट आने के बाद वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आना चाहती थी, पर उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट देखते हुए उनके पेरेंट्स उनको MBA करने के लिए विदेश भेजना चाहते थे, पर हुमा के कहने पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें मुंबई आने दिया और कहा कि अगर 1 साल में कुछ नहीं होगा तो तुम अपनी स्टडी को ज्वाइन कर लोगी। नंबर 4, हुमा ने बताया कि उनके पापा सलीम कुरैशी दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांगना चाहती थी। इसी वजह से हुमा जुहू के एक कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहती थी और कभी कभी पैसे बचाने के लिए पैदल भी चला करती थी। नंबर 5, हुमा को मुंबई आए कुछ ही दिन हुए थे और वो एक फिल्म जक्सन के लिए ऑडिशन देने गई थी और उन्हें ये फिल्म मिल भी गई थी, पर यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। नंबर 6, अपने फेलियर के बाद हुमा को कई बड़े बड़े टीवी एड्स मिले, जहां उन्हें फर्स्ट एड अभिषेक बच्चन के साथ एक सेलफोन का किया था और इसके बाद उन्हें शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ सैमसंग और नैरोलैक कंपनियों के एड किए थे। नंबर 7, साल 2012 हुमा के लिए बहुत लकी रहा, जहां उन्हें अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर से डेब्यू करने का मौका मिला था और इस फिल्म ने उन्हें ओवरनाइट सक्सेस दिला दी थी। नंबर 8, हुमा अब बॉलीवुड के अलावा तमिल फिल्म बिल्ला 2 के साथ साउथ डेब्यू करने वाली थी, पर ये प्रोजेक्ट लेट होने के कारण उन्हें इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। नंबर 9, फिल्म के साथ हुमा आयुष्मान खुराना और राहत फतेह अली खान के फेमस सॉन्ग मिट्टी दी खुशबू और तुम्हें दिल लगी में एक्टिंग की थी, जिसने इनकी फैन फॉलोइंग को बढ़ा दिया था। नंबर 10, इतनी सक्सेस के बाद भी हुमा कुरैशी पर अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन का डिवोर्स करवाने का आरोप लगा था। कहा यह जा रहा था कि अनुराग और हुमा के क्लोज हो जाने के कारण दोनों का ही डिवोर्स हुआ था। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपके लिए एक बोनस है। वैसे अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा देना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट है। तो अगर आप सेम वीडियो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर देखना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो आपके लिए है, या फिर राइट वाली आपके लिए बेस्ट चॉइस है।